नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। करके फंसा कौन है आपकी? मैं फंसी हूँ, आपको कमाओ भी, घर का काम भी करो। और हम लोग किया नहीं, शराब भी क्या हो, बेरंग नहीं 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 बेरंग चला रही हूँ मैं तो, हाथ में किसके है? इसी फिल्म में नहीं, पूरी दुनिया में, इंडिया बिहार तो ठीक है, पूरी दुनिया में शादी करके सिर्फ मर्द ही फंसता है। अगर आपको नहीं, अगर आपको ऐसा गलत लग रहा है तो आप जाके हमारी फिल्म देखिए, शादी करके फंस गया है। ऐसा नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मर्द फंसता है तो उस आदमी का क्या जो अपनी बीवी को छोड़ के बाहर मनाता है, इसीलिए बाहर जा रहा है। अगर इंसान फंसा नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं वो एक्चुअली क्या सोचता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मैं बता दूं कि घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर होती है, लेकिन बाहर की मुर्गी से स्वाइन फ्लू भी होता है। जो जो मिला है सबने बोला है कि हम ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है देख के। अब वो फंसी हुई जिंदगी को कैसे लाइन अप करना है ये सब मैं वो देखता हूँ। जी आपने इनको, आपने पति को घर से निकाल भी दिया, ऐसा क्यों किया आपने? भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने कोई पति को घर से नहीं निकाला, इनकी बीवी ने ये पिक्चर देखने के बाद इनको निकाल दिया है, इसलिए मेरे पास घूम रहे हैं। ये क्या है, ये उन लोगों के लिए भी फिल्म है जो दहेज पे जीते हैं। जैसे इस फिल्म में मेरे पिताजी ने बहुत सारा दहेज दिया है, तो मैं पूरी फिल्म में इनको ताने देती रहती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, दहेज पे ये फिल्म। आप अगर दहेज लेंगे तो बीवी आपके सर में बैठ के नाचेगी, तो इसलिए आप दहेज मत लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि चश्मा, टी शर्ट सब मेरे पैसों का, इनके पैसों का नहीं। लेकिन जो आज खाना खाया वो मैंने बनाया। कोई बात नहीं, लेकिन उसमें नमक कम था। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहिए, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई? डायरेक्टर साहब है, इनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे पटी थी। और अजय जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई है, और इस फिल्म के लिए मुझे चुना, मैं उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी जोड़ी को हिट कराने के लिए इन्होंने सर से लेके पाँव तक का जो जोर लगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। इनका भी यही कहना है कि शादी करके फंस गए। देखो ये अपने मुँह से कबूल की, इनका भी कहना है कि शादी करके फंस गए, तो फंसा दिया हमको। किस तरह से फंसे आप इनसे? नहीं नहीं, हम लोग ने ये पिक्चर में जो आप कॉमेडी और ये एंटरटेनमेंट देंगे इन्हें, तो फुल एंजॉय करेंगे। ये जो हमें जो हंसी आ रही है, तो आपको टॉपिक में हंसी आ रही है, उससे ज़्यादा आपको देखने में हंसी आएगी। जितने दिन हम लोग जहाँ घूम के आ रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू लाफिंग कर रहे हैं, और सिटी जो वेसल बना बजाते जा रहे हैं, फुल मजा कर रहे हैं, हमको खुद मजा आ रहा है कि हमने कुछ अच्छी पिक्चर बनाई है। ये पिक्चर तो हिट हो गई, आगे का क्या प्लानिंग है अभी? बस अब दूसरी शादी, दूसरी शादी करके फंस गया यार, मतलब यही रहेंगे, पिक्चर बनाएंगे, शादी करके फंस गया। तो उसमें टीम कौन कौन सी होगी? कुछ वही हम अभी डिसाइड करेंगे, हमारे तो मेन तो यही कलाकार। तो थैंक यू बोल दो जिन्होंने पिक्चर हमारे देखी है, और बाकी सबको बोल आके पिक्चर देखी है, जिन्होंने देखा वो उनको उनका पैसा वसूल हो गया, बाकी सब लोग आके देखिए सबका पैसा वसूल होगा। और थैंक यू, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी बहुत सारे फंसे हुए लोग थे, तो बहुत अच्छे से काम कर लिए। सर इस फिल्म में आपके खुद का एक्सपीरियंस कितना दिख रहा है? नहीं मैं खुद फंसा हुआ था ना, उन्होंने शादी मैं कभी फंसने के बाद फिल्म बनाया था जी। जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि पार्ट टू बना रहे, पार्ट टू में सेम उल्टा होने वाला है। इस समय बीवी की सरकार थी, उस समय पति का सरकार हो। अच्छा भाई, लेडीज एक बार फर्स्ट, एक बार जेंट्स फर्स्ट,
क्या सही बोल रहे क्या है कि कब तक हम लोग वही चूल्हा बर्तन चौका करते रहेंगे, अब औरतें भी करें तो आपके कैरेक्टर में क्या बदलाव आने वाला है? मेरे कैरेक्टर में तो हमेशा वही बदलाव रहा है, ये डायरेक्टर लोग कभी मतलब मिलन कराते ही नहीं है, ऑडियंस उनसे पूछती रहती कब मिलोगे आप, अभी अब डायरेक्टर साहब बताएंगे हमको कब मिलाएंगे जी बताइए, मिला देंगे अगले पिक्चर में भाई, पार्ट टू है, अगर पार्ट थ्री बनेगा तो उसमें मिलाएंगे। संजय जी एक कोई कॉमेडी आपका इस फिल्म का? देखिए अब कॉमेडी क्या, डायरेक्टर के सामने हमेशा ये थरथरी लगी रहती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा एक बड़ा अच्छा लोगों को बहुत पसंद आता है तो इस टाइप का जो क्या सिचुएशन बड़ा अच्छा लगता है, और लाइन तो बोल नहीं पाऊंगा, नहीं रिएक्शन 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 ही लोगों को बहुत पसंद आता है। अच्छी लगी बहुत अच्छी, गाने कैसे लगे इस फिल्म के? अच्छा लगे, एक नंबर, एक नंबर ना पिक्चर, शादी करके फंस गया, मजा आया, किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? हीरो हीरोइन कैसे? कॉमेडी एकदम फुल धमाल, गाने फिल्म क्राइम राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।